Hello students. So we were continuing with the blood group system. Blood group system के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे two surface antigens present होते हैं. Antigens are the chemicals that induce immune response on RBCs and they are present on the surface of RBCs. जो blood group A है उसमें A antigen present होता है, जो blood group B है उसमें B antigen present होता है. ब्लड ग्रुप ए बी वाले की सरफेस के ऊपर दोनों ए एंड बी एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं एंड ब्लड ग्रुप ओ वाले की सरफेस के ऊपर कोई भी किसी भी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है. सिमिलरली प्लाज्मा कंटेन्स टू एंटीबॉडीज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस. दे आर एंटी ए एंड एंटी बी. ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटी बी प्रेजेंट होता है, ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटी ए प्रेजेंट होता है, ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर कोई भी एंटी नहीं प्रेजेंट होता है एंड ब्लड ग्रुप ओ के अंदर दोनों ए एंड बी एंटीजन प्रेजेंट हो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर. इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं एक बार. लेट अस सी. Okay students, so this was ये एंटीजन ए का आरबीसी है, इस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है और इसके प्लाज्मा के अंदर बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है. ये एंटीजन ये ब्लड ग्रुप बी का आरबीसी है, इसके ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट है एंड उसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज ए प्रेजेंट है. ये ए बी ब्लड ग्रुप है, इसके प्लाज्मा के अंदर किसी भी टाइप के एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है. इसके आरबीसीज की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए एंड एंटीजन बी बोथ प्रेजेंट है. वैसे ही ब्लड ग्रुप ओ है ये वाला, इसमें आरबीसी की सरफेस के ऊपर ना ही ए एंटीजन प्रेजेंट है ना ही बी एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन प्लाज्मा के अंदर दोनों एंटीजन एंटीबॉडीज जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि सरफेस के अंदर दो एंटीजन हो सकते हैं, दोनों में से एक हो सकते हैं, दोनों में से दोनों हो सकते हैं या दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता. वैसे ही प्लाज्मा के अंदर दो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, उनमें से एक प्रेजेंट हो सकती है, उनमें से दो प्रेजेंट हो सकती है या कोई भी नहीं प्रेजेंट हो सकती. ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुप्स. ब्लड ग्रुपिंग का ये टेबल है, इस टेबल के थ्रू आपको याद करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा. ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन आरबीसीज के ऊपर कौन से प्रेजेंट है, ए. एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट एंटी बी एंड ये किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप को और ए बी ब्लड ग्रुप को. एंड किससे ब्लड रिसीव कर सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप से एंड ओ ब्लड ग्रुप से. डोनेट किसको कर सकते हैं, ए एंड ए बी को. रिसीव किससे कर सकते हैं, ए एंड ओ से. ब्लड ग्रुप बी की सरफेस के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, ये बी और ए बी को डोनेट कर सकता है एंड बी एंड ओ से ब्लड ले सकता है. ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर सरफेस के ऊपर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट हैं. इनके अंदर किसी भी टाइप की एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती. किसको ब्लड दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ए बी को ब्लड दे सकते हैं, ना ही ए को ब्लड दे सकते हैं, ना ही बी को, ना ही ओ को. ओनली ए बी को ब्लड दे सकते हैं, पर ले कैसे सकते हैं ब्लड. द ए बी ब्लड ग्रुप पीपल कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम ए B, A, B and O, all the organisms of the universe. इसीलिए उनको क्या बोला जाता है,
यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। एंड अब हम बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप की। ओ ब्लड ग्रुप की सरफेस के ऊपर किसी भी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। एंटीबॉडीज कौन कौन सी प्रेजेंट है? एंटीबॉडीज ए एंड एंटीबॉडीज बी। ये किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं? ब्लड ग्रुप ए वाले को, ब्लड ग्रुप बी वाले को, ब्लड ग्रुप ए बी वाले को एंड ब्लड ग्रुप ओ वाले को। दे कैन डोनेट ब्लड टू ए बी, ए बी एंड ओ। मतलब कोई भी ऐसा ब्लड ग्रुप बच्चा ही नहीं जिसको ओ वाले ब्लड ना दे सके। सो दैट्स व्हाई द ओ ब्लड ग्रुप पीपल आर नोन एज यूनिवर्सल डोनर्स एंड ए बी ब्लड ग्रुप पीपल आर नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। बट ये रिसीव किससे कर सकते हैं? सिर्फ ओ वाले से। So that was all about the ABO blood grouping system. I hope कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बेस पे आपको questions करने हैं। ये कौन से हैं? Which blood group is the universal donor? Which blood group is the universal recipient? आई होप आप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। इसमें हम रिएक्शंस की बात करते हैं। एंटीजन ए रिएक्ट्स विद एंटीबॉडी ए। एंटीजन ए रिएक्ट्स विद एंटीबॉडी ए। एंटीजन बी रिएक्ट्स विद एंटीबॉडी बी। ऑपोजिट वाले के साथ रिएक्ट नहीं करती है, इसीलिए जो ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है एंड ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है। एंटीजन ए रिएक्ट्स विद एंटीबॉडी बी, सॉरी, एंटीजन ए रिएक्ट्स विद एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी रिएक्ट्स विद एंटीजन बी। या मिक्सिंग ऑफ ब्लड्स with interactive age antigens and antibodies cause clumping agglutination of RBCs. Mixing of bloods with interactive antigen and antibodies cause clumping or agglutination of RBCs. The next thing is O group persons are called universal donors as they can donate blood to persons with any blood group. AB group persons are called universal recipients because they can accept blood from all the blood groups. इसका क्वेश्चन हमने पहले लिखा था, तो वो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। Yes. Moving to the next part in the blood grouping is the Rh grouping. Rh is the another factor जो blood grouping को enhance करता है।
एंटी आरएच एंटीबॉडीज आर नॉट नेचुरली फाउंड. सो आरएच नेगेटिव पर्सन कैन रिसीव आरएच पॉजिटिव ब्लड ओनली वंस, बट इट कॉजेज द डिवेलपमेंट ऑफ एंटी आरएच एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड. सो अ सेकेंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ आरएच पॉजिटिव ब्लड causes agglutination, aggregate formation या blood coagulation, या फिर blood में जो antigen and antibodies का reaction है वो हो जाएगा. इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि कोरोना वायरस है या कोई भी pathogen है, वो एक बार तो हमारी body में enter कर जाता है और हमें infection cause कर देता है, लेकिन आफ्टर सेकेंड टाइम, आफ्टर फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, कभी भी एक बारी से ज्यादा जब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन चुकी होंगी एंड हमारी बॉडी जो है वो प्रिपेयर्ड होगी टू फाइट अगेंस्ट दीज फॉरेन सब्सटेंसेस. तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एग्लूटिनेशन हो जाता है. फर्स्ट टाइम रिसीव करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट टाइम एक नेगेटिव वाला बंदा पॉजिटिव वाले से ब्लड रिसीव कर ले नो प्रॉब्लम, लेकिन सेकेंड टाइम अगर नेगेटिव वाला बंदा पॉजिटिव वाले से ब्लड लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ब्लड डोनेशन ने कहा तो उसकी जिंदगी बचानी थी और कहा वो क्या कर देगा, खत्म कर देगा जिंदगी. देयरफॉर RH group should be matched before transfusion. Blood group A, B, AB भी match करना चाहिए और blood group positive या negative जो है RH factor जो है basically the person is RH positive or RH negative, ये चीज को भी हमें match करना चाहिए before the blood donation. Erythroblastosis fetalis, ये क्या होता है, इट इज एन आर एच इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर एंड आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस. स्टूडेंट्स देखो, अगर कोई पॉजिटिव वाला बंदा नेगेटिव वाली विमेन से मैरिज करवा रहा है तो जो उसका बच्चा होगा हर हाल में वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेट करता है. ठीक है, चाहे मदर नेगेटिव है चाहे फादर नेगेटिव है, दोनों पेरेंट्स में से अगर कोई एक पॉजिटिव है तो जो बच्चा होगा हर हाल में पॉजिटिव होगा. पेरेंट्स जो फादर है नेगेटिव और मदर पॉजिटिव है तो इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर जो मदर है वो नेगेटिव है एंड बच्चा है वो पॉजिटिव है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कि पहला बच्चा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि जब बेबी की डिलीवरी होती है उस टाइम क्या होता है, ब्लड ऑफ द फीटस एंड मदर इज मिक्स्ड, मदर ऑफ फीटस का ब्लड मिक्स हो जाता है. फर्स्ट टाइम तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम के बाद मदर की बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी एंड सेम मदर जब सेकेंड टाइम बर्थ देगी किसी बेबी को, क्योंकि वो बेबी भी पॉजिटिव होगा तो उस मदर में प्रॉब्लम आ सकती है. क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कि उसका ब्लड जो है उसके ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो बच्चे को ही खत्म कर देंगी, ये चीज की प्रॉब्लम आ सकती है. इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. इट इज एन आरएच इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर एंड आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस. RH antigen do not get mixed with the maternal blood in the first pregnancy because placenta separates the two bloods. लेकिन delivery के time जब mixing हो जाती है तब mother की जो है blood वो क्या develop कर लेता है, antibodies develop कर लेता है. Second pregnancy के time क्या हो जाती है, second pregnancy के time वही mother का blood है वो act करता है, वो baby पे act करता है and वो क्या कर देता है, reaction cause कर देता है, agglutination cause कर देता है जिसकी वजह से बच्चे की death हो जाती है. But at the time of first delivery there is a possibility of exposure of the maternal blood to small amount of RH positive blood from the fetus. First delivery के बाद क्या होगा, there is the possibility कि maternal blood है वो expose हो गया baby की blood के through और
एंटीबॉडीज जो है मेटर्नल ब्लड में वो डिवेल्प हो चुकी हैं. दिस इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ आरएच एंटीबॉडीज इन द मेटर्नल ब्लड. अब मेटर्नल ब्लड के अंदर, मदर के ब्लड के अंदर आरएच फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्या है, डिवेल्प हो चुकी हैं. दोबारा से रीड करते हैं. बच्चा मदर प्रेग्नेंट है, ऑल ओवर द प्रेगनेंसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो बच्चे और मदर को अलग अलग कर रहे हैं. लेकिन जब बच्चे की डिलीवरी होगी तब प्लेसेंटा की जो लिंक है वो टूटेगा और बच्चे का और मदर का जो ब्लड है वो उसकी मिक्सिंग होगी. इसी वजह से मदर का ब्लड जो है वो एंटीबॉडीज डिवेल्प कर लेगा अपने ही बच्चे के ब्लड के अगेंस्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. नेक्स्ट थिंग इज इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज, जब सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम के बाद कभी भी प्रेगनेंसी होगी, आरएच एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर लीक इनटू द फीटल ब्लड एंड डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसीज. नेक्स्ट टाइम जब भी प्रेगनेंसी हुई, आइदर 2 मंथ की है, 3 मंथ की है या 4 मंथ की है, उस टाइम क्या होगा, मदर के ब्लड को पता चल जाएगा कि ये जो फीटस है ये क्या है, ऑपोजिट है. और ये एक वो अपने ही बच्चे को, अपने ही फीटस को क्या समझने लग जाएगी, फॉरेन सब्सटेंस. फॉरेन सब्सटेंस समझने के बाद वो अपने ही बच्चे के अगेंस्ट रिएक्शन करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, बच्चे की डेथ हो सकती है. दिस इज फैटल टू द फीटस और कॉज सेवियर अनेमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी. क्योंकि जो आरबीसीज और आरबीसीज के अंदर रिएक्शन होगा जिसकी वजह से बेबी के आरबीसीज मर जाएंगे, और बेबी को आरबीसीज मर जाएंगे तो फिर बेबी को क्या हो जाएगा, एनीमिया. एनीमिया इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि बच्चे की डेथ तक भी हो सकती है. इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. मतलब एरिथ्रोसाइट्स ऑफ द बेबी, फेटालिस मतलब बेबी, erythrocytes of the baby are being blast, are being degenerated, are being damaged with the help of the mother's blood. Mother's blood में जो antibodies बने हुए हैं वो बच्चे के RBCs को खत्म कर रहे हैं. And in this way, this thing can cause a major problem to the pregnant mother and the baby. So, let us read the last point. Erythroblastosis fetalis can be avoided by administration of anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child. देखो, अगर ये चीज हमें कैसे पता चलेगी, जब बेबी पैदा हो रहा है, मदर के ब्लड ग्रुप से मदर और बेबी का ब्लड ग्रुप मैच करना पड़ेगा. अगर बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और मदर का नेगेटिव है तो साथ के साथ ही मदर को क्या दे दी जाए, एंटी आरएच मेडिसिंस दे दी जाए, जिसके अगेंस्ट, जिसकी हेल्प से मदर के अंदर किसी भी हाल में एंटीबॉडीज बन ही ना पाए. अगर मदर के अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी तो किसी भी टाइप का नुकसान नहीं होने वाला बेबी को, एंड बेबी एंड मदर के अंदर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी जो बेबी है वो हेल्दी पैदा होगा. दिस इज द ट्रीटमेंट टू द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक. आई होप यू लाइक्ड इट. इट इज वेरी नॉलेजेबल टॉपिक, इट इज वेरी गुड टॉपिक, इट इज वेरी डीप टॉपिक, बेसिकली इंटरेस्टिंग भी था. तो आई होप यू लाइक्ड इट, एंड ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू. कीप रीडिंग, ऑल द बेस्ट.